सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये मुहावरा शायद इनके लिए ही बना है। नमस्कार, मैं हूँ उपासना। किनके लिए? 96 साल की कात्यायनी अम्मा की लिए, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में टॉप किया है। वो बचपन में नहीं पढ़ पाई, फिर जवानी भी निरक्षर रहते हुए बीत गई। वो मंदिर और आस पड़ोस के घरों में साफ सफाई करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करती थी। एज 90 से आगे बढ़ने लगी तो सोचा कि पढ़ाई कर लें, इतना तो पढ़ ही लें कि साक्षर कहलाएं। यही सोचकर कात्यायनी अम्मा इस साल अगस्त में हुई साक्षरता की परीक्षा में बैठी। टोटल 43,330 लोगों ने यह परीक्षा दी। इनमें सबसे बुजुर्ग थी कात्यायनी। पता उनको कितने नंबर मिले? 100 में से 98 उन्होंने इस परीक्षा में टॉप किया है। ये साक्षरता परीक्षा देने वाली और परीक्षा देकर पास होने वाली अब तक की सबसे उम्र दराज इंसान है, और उन्हें साक्षरता का सर्टिफिकेट खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन देंगे। 1 नवंबर को त्रिवेंद्रम में एक कार्यक्रम है, यहीं पर CM कात्यायनी जी को सर्टिफिकेट देंगे। उन्हें यहाँ तक ले जाने का जो जिम्मा है वो गांव की पंचायत ने लिया है। अब किस में उनके कटे वो 2 नंबर, ये भी बता देते हैं। केरला सरकार अपनी पूरी आबादी को एजुकेटेड बनाना चाहती है। इनमें वो बुजुर्ग भी शामिल हैं जो पहले किन्हीं कारणों से पढ़ लिख नहीं पाए। इस मिशन का नाम है अक्षर लक्षम। ये योजना 26 जनवरी 2018 के मौके पर शुरू की गई थी। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम था। मैथ्स के 30 नंबरों में से उनको 28 नंबर मिले। मलयालम पढ़ने के 30 नंबरों में उनको मिले पूरे के पूरे 30 नंबर, और मलयालम लिखने में भी उन्हें 30 में से 30 मिले। मतलब अगर मैथ्स में भी पूरे नंबर मिल जाते तो कात्यायनी जी 100 में से 100 ले आती। वाह। तो कात्यायनी जी ने इस बारे में बताया कि मैं खुश हूँ कि मुझे अच्छे नंबर मिले, अफसोस यही रह गया कि 2 नंबर कट गए। अब मैं लिखना पढ़ना और जोड़ना घटाना सीखना चाहती हूँ। मैं इंग्लिश भी सीखना चाहती हूँ। मेरी नाती नातिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी सीखना चाहती हूँ ये भाषा। कात्यायनी अम्मा का 2 नंबर से 100 में से 100 ना ला पाने का ये अफसोस इतना क्यूट है कि अगर वो सामने आ जाएँ तो उन्हें भर कर गले लगा लें हम। उनकी बेटी ने भी 51 साल में 10वीं की परीक्षा दी थी। कात्यायनी अम्मा इस उम्र में भी काफ़ी हेल्दी हैं। वो अपनी बेटी और उसके परिवार के साथ रहती हैं। 12 साल की अपर्णा और 9 साल की अंजना ने पढ़ाई में अपनी नानी की मदद की। वैसे अपने परिवार में वो अकेली मिसाल नहीं है। उनकी छोटी बेटी अमीनी अम्मा की पढ़ाई बचपन में छूट गई थी, वो 10वीं भी नहीं कर पाई थी। 2016 में जब अमीनी अम्मा 51 साल की हुई तब उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी। बेटी को देखकर कात्यायनी अम्मा को भी इंस्पिरेशन मिली। वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में लड़कियां कभी स्कूल नहीं जाती थी। जब मेरी छोटी बेटी ने 2016 में 10वीं की परीक्षा दी और उसमें पास कर गई, तब मैंने भी इसे चुनौती की तरह लिया। मैंने भी पढ़ाई करने का फैसला किया। वैसे अगर मेरा बस चले तो मैं कात्यायनी अम्मा के नाम के पोस्टर इस देश के गाँव-गाँव शहर-शहर में चिपकाऊँ। साक्षरता मिशन के लिए उनसे बेहतर रोल मॉडल कौन मिलेगा? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। आप हमारे पेज को लाइक करिएगा फेसबुक पर, फिर ललन टॉप। अगर ये देख रहे हैं आप यूट्यूब पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों को भी कहिए, और जिनको ऐसी न्यूज़ देखना पसंद है और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप भी आ गई है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।